अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है सारे बच्चे खैरियत से होंगे। ठीक है बच्चों, आज हमारा फर्स्ट क्लास का दूसरा लेक्चर है साइंस का। ठीक है, फर्स्ट लेक्चर में हमने बेजान और जानदार चीज़ों के बारे में पढ़ा था कि बेजान चीज़ें कौन सी होती हैं और जानदार चीज़ें कौन सी होती हैं। आज उसको थोड़ा सा रिपीट करेंगे और उसके बाद फिर जो आपकी फ़र्स्ट चैप्टर की एक्टिविटीज़ हैं उन पर काम करेंगे। ठीक है, आपका जो जानदार चीज़ों की कुछ खसूसियात होती हैं कि वो ग़िज़ा भी खाते हैं, पानी भी पीते हैं और सांस भी लेते हैं, और जानदार चीज़ें यही चीज़ें नहीं करते। सही है, एक चीज़ थी जो दोनों में सहम थी, वो क्या थी? हरकत। जानदार चीज़ें भी हरकत करती हैं, मैं लगातार हरकत कर रहा हूँ, आप सुन रहे हो, आपकी जो आई बार बार ब्लिंक कर रही होगी, ये हरकत हो रही है आप में। ठीक है, आप कोई चीज़ खा रहे हो अगर लेक्चर लेते हुए तो आप हरकत कर रहे हो, पर जानदार की तरह बेजान चीज़ें भी हरकत कर रही होती हैं। आप बैठे हो, पंखा चल रहा है, एसी चल रहा है, या रूम कूलर चल रहा होता है तो उसकी प्लेटें हिल रही होती हैं। ठीक है, या फिर आप देखते हो अल्लाह भला करे गाड़ियाँ चल रही हैं, ये सारे नॉन लिविंग थिंग्स हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये भी हरकत कर रहे हैं, हम भी हरकत कर रहे हैं, तो हम में से जानदार कौन है? जब हम गौर करेंगे कि जो जानदार चीज़ें हैं वो खुद ब खुद हरकत कर रही हैं, आपकी आँखें खुद ब खुद ब्लिंक कर रही हैं, आप खुद ब खुद खाना खा रहे हो, और अगर ज़्यादा छोटे हो तो अम्मी खाना खिला रही हैं, है ना? यानी कि आप जो जानदार हैं वो अपना काम खुद कर रहे हो, आप खाना खुद चबा रहे हो। सही है, ये जो हरकतें ये आप खुद अपने तौर पर कर रहे हो। लेकिन जो बेजान चीज़ें हैं, अगर लाइट चली जाए तो पंखा चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। इसका मतलब क्या है कि पंखा जो बेजान चीज़ है वो किससे चलती हैं? वो किसी दूसरी चीज़ों की मदद लेते हुए चलती हैं। सही है, फ़ैन ऑन करेंगे बिजली आएगी तो पंखा चलेगा। सही है, पेट्रोल डलेगा गाड़ी में, ड्राइवर बैठेगा चलाएगा तो गाड़ी चलेगी। बात समझ में आ रही है? लेकिन हमें क्या कोई चला रहा है? नहीं चला रहा, हम खुद ब खुद चलते हैं। ऐसी तो जानदार चीज़ें जो होती हैं उनमें खुद ब खुद हरकत होती है, और जो बेजान चीज़ें होती हैं वो खुद ब खुद हरकत नहीं कर पाती। अब सारे बच्चे आ जाएं पेज नंबर 4 पे। यहाँ पे क्वेश्चन है, उन बेजान चीज़ों की तस्वीर बनाएं जो हरकत करती नज़र आती हैं। ऐसी बेजान चीज़ें जो हरकत करती नज़र आती हैं उनकी आपने तस्वीर बनानी है। सही है बच्चों, तस्वीर आपको नहीं बन पाए, ठीक है, तो आप उन चीज़ों के नाम लिख दें। सही है, जिस तरह आपने कोई 5 चीज़ों के नाम लिख दें। कॉपी पर ये क्वेश्चन उतारें कि उन बेजान चीज़ों की तस्वीर बनाएं जो हरकत करती नज़र आती हैं। आपने ये क्वेश्चन उतारा और उसके बाद फिर इस क्वेश्चन के मुताबिक तस्वीर अगर आपसे नहीं बन पा रहे, ठीक है, अगर बन सके तो आप तस्वीरें बना लें 5, और अगर नहीं बन सके तो आप नाम लिख लें जिनमें हरकत होती है। अच्छा, सबसे पहला लिख देते हैं हम गाड़ी। ठीक है, गाड़ी क्या करती है? हरकत हो रही होती है, एक जगह से दूसरी जगह जाती है, कार, मोटरसाइकिल। सही है, उसके अलावा हम देखते हैं अपने घरों में पंखा, फैन। ठीक है, उसके अलावा हम किन चीज़ों में हरकत हो रही होती है? सोचे सारे बच्चे और बताएं, जल्दी जल्दी सोचें। पंखे के अलावा, गाड़ी के अलावा और क्या चीज़ हो सकती है जिनमें हरकत हो रही होती है? मोटर, जैसे आप पानी लेते हैं तो वो घूम रही होती है। सही है, मोटर और बिल्कुल वॉशिंग मशीन। ठीक है, मोटर, वॉशिंग मशीन, 5वां गाड़ी, पंखा, मोटर, वॉशिंग मशीन। अब लास्ट चीज़ सोचें सारे बच्चे, खुद से सोच के बताएं ना, जल्दी से सोचें। ऐसी चीज़ जो बेजान भी है और उसमें हरकत भी हो रही होती है, क्या चीज़ होती है वो? सोचें, सब सोचें, सब ने बताना है, इन चारों के अलावा कोई नई चीज़ बतानी है जिसमें हरकत हो रही होती है, बताएं। कोई बता सकता है? सिलाई मशीन, वॉशिंग मशीन हो गई, मोटर हो गई, पंखा हो गया, गाड़ी हो गई, इसके अलावा और सोचें और क्या हो सकता है, और सोच कर आपने 5वां नाम खुद लिखना है। ठीक है बच्चों, सही है। उसके बाद आ जाएं पेज नंबर 5 पे, पेज नंबर 5 पे। सही है, पेज नंबर 5 पे आपको क्वेश्चन दिख रहा है, कौन सी तस्वीरें जानदारों की हैं
दुरुस्त खाने में सही निशान लगाएं। अब ये तस्वीरें जब आप कॉपी पे बनाओगे तो आपसे क्या पता ना बने, सही है, तो आप इनके भी नाम लिख लें। नाम आपने किस तरह लिखे, जहाज बना हुआ आपने जो है इधर बड़ा प्यारा सा कॉलम बनाया, ठीक है, और एक छोटा सा कॉलम बनाया, और इधर क्या लिख दिया, जहाज, ठीक है। फिर आपने इधर बनाया वही कॉलम, सही, और लिख दिया बकरी, ठीक है। उसके बाद आपने थर्ड कॉलम बनाया, उसमें क्या नज़र आ रहा है आपको, एक कपड़ा लटका हुआ नज़र आ रहा है, सही है, सॉरी हमें तस्वीर नहीं बनानी, हमें बस नाम लिखना है। आपने इधर लिख दिया कपड़ा, इधर क्या नज़र आ रहा है, इधर नज़र आ रहा है पौधा, ठीक है, इधर है खिलौना, सब बच्चों के पास होगा ये वाला खिलौना, है ना, इसमें से इसको जब पंप करते हैं तो आवाज़ भी आ रही होती है, ठीक है। ये है आपकी एक्टिविटी पेज नंबर 5 वाली। तो आपने इस तरह 4-5 कॉलम बनाने हैं, 5, और उनमें जो तस्वीरें बनी हुई हैं वो तस्वीरें तो आपसे बन नहीं पाएंगी, तो आप उनके नाम लिख दें। और इसमें आपने करना क्या है, उन पर टिक करना है जो कौन है, जो जानदार चीज़ें हैं। क्या जहाज़ जानदार है, क्या जहाज़ पानी पीता है, खाना खाता है, सांस लेता है, नहीं, तो इसका मतलब जहाज़ जो है वो जानदार नहीं है। तो यहाँ टिक लगा दूँ मैं, नहीं, क्यों, क्योंकि टिक सिर्फ और सिर्फ जानदार चीज़ों में लगाना है। बकरी खाना खाती है, पानी पीती है, सांस लेती है, इसका मतलब ये जानदार है। कपड़ा खाना खाता है, नहीं, पानी पीता है, नहीं, सांस लेता है, नहीं, नहाता है, सही है, नहाती तो कार भी है, नहाती तो बस भी है, नहाती तो मोटर भी है, पानी उसमें से जा रहा होता है तो उसके अंदर से भी तो पानी आ रहा होता है, वाशिंग मशीन में भी हम पानी डालते हैं, सही है, बाज़ औक़ात पंखों में भी पानी होता है, यानी कि पानी, पंखा जब चल रहा होता है तो उसमें से पानी की फुहार भी आ रही होती है, बात समझ में आ रही है। तो इसका मतलब कपड़ा भी बेजान चीज़ है और इस पर भी टिक नहीं लगेगा। पौधा पानी देते हैं, पानी लेता है, ठीक है, सूरज की रोशनी और पानी की मदद से अपना खाना बनाता है, इसका मतलब पौधा भी जो है वो जानदार चीज़ है। खिलौना, क्या खिलौने को आप खाना खिलाते हो, पानी पिलाते हो, क्या खिलौना सांस लेता है, नहीं, तो इसका मतलब बकरी और पौधे के अलावा कोई भी जानदार नहीं है। तो सिर्फ बकरी और पौधे में आप क्या लगा देंगे, टिक लगा देंगे, ठीक है बच्चों। ये था आपका पेज नंबर 5 का। अब आ जाते हैं पेज नंबर 6 पे, ठीक है, सारे बच्चे पेज नंबर 6 की तरफ देखेंगे जब पेज नंबर 6 को ओपन करेंगे और उसका क्वेश्चन उतार लेंगे सबसे पहले कॉपी में। ये 1 by 1 सारे बच्चों ने पहले कॉपी पे एक पेज पे एक एक्टिविटी करनी है, एक क्वेश्चन उतारा, उसका काम किया, सही है। अब थर्ड पेज पे, 2 पेज पे वो वाले काम हो गए, तीसरे पेज पे आपने क्वेश्चन उतारना है, दुरुस्त खाने में सही टिक का निशान लगाएं, सही है, सही टिक का निशान आपने लगाना है दुरुस्त खाने में। अब खाने कौन कौन से बने हुए हैं बच्चों, खाने कुछ इस तरह के बने हुए हैं, सही, आपने दुरुस्त खाना जो है उस पर टिक लगा देना है। पहले खाने में लिखा हुआ है तस्वीर, तस्वीर तो हम कॉपी पे बना नहीं पाएंगे, तस्वीर आपसे बनेगी नहीं कॉपी पे, तो आप तस्वीर की जगह लिख लो नाम, ठीक है, नाम लिख लो आप तस्वीर की जगह नाम। दूसरे कॉलम में रजा खाते हैं, रजा खाते हैं,
ठीक है। तीसरे कॉलम में आ जाता है पानी पीते हैं, आपने भी इसी तरह कॉलम बनाने हैं और हर कॉलम में इतनी जगह छोड़ दी है कि आपका पूरा लफ्ज़ गिज़ा खाते हैं, पानी पीते हैं, सांस लेते हैं। बढ़ते हैं, जानदार, सही है। गिज़ा खाना किसकी खसूसियत है, जानदार या बेजान चीज़ों की? बिल्कुल सही, जानदार चीज़ों की। पानी पीना किसकी खसूसियत है, जानदार या बेजान चीज़ों की? जानदार चीज़ों की। सांस लेना किसकी खसूसियत है, जानदार चीज़ों की। कभी आप गाड़ी को और दीवारों को और किताब को कभी सांस लेता हुआ नहीं देखते। बढ़ना किसकी खसूसियत है, जानदारों की। कभी हम किसी चौक को या किसी बोर्ड को या किसी टेबल या चेयर को दिन ब दिन बढ़ता हुआ नहीं देखते, ये सिर्फ जानदारों की खसूसियत में आता है। अब जानदार, जानदार कौन है, सही है, वो जब हम नाम लिखेंगे तो पता चलेगा। सबसे पहला है बिल्ली, दूसरा है किताब, ठीक है, तीसरा है पौधा, चौथा है पेंसिल। पेंसिल, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपने जो है इधर जो सही ऑप्शन है, जो सही बात यहाँ पे बताई जा रही है, उस पर टिक लगाना है। क्या बिल्ली गीज़ा खाती है, हाँ या ना? अगर सबका जवाब हाँ है तो इधर टिक आ जाएगा कि हाँ बिल्कुल बिल्ली जो है वो गिज़ा खाती है। क्या बिल्ली पानी पीती है, बिल्कुल पीती है। क्या बिल्ली सांस लेती है, ले रही होती है। जब आपने देखा होगा बिल्ली सो रही होती है तो उसका जो हलक वाला साइड होता है वो लगातार हिल रहा होता है, ये यही जाहिर कर रहा होता है कि बिल्ली जो है वो सांस ले रही है। बिल्ली बढ़ती है, छोटा सा बच्चा होता है बिल्ली का, ऐसा ऐसा वो बड़ा होता जाता है, यानी कि बिल्ली में भी जो है वो ग्रोथ होती है, यानी कि वो बढ़ती है। बिल्ली जानदार है बिल्कुल, जब उसमें ये काम हो रहे हैं, वो खा रही है, पी रही है, सांस ले रही है और बढ़ रही है, तो इसका मतलब वो कौन है, वो जानदार है। क्या किताब जो है वो खाना खाती है, नहीं, हम मैंने तो नहीं देखा खाना खाते हुए। क्या आपने देखा है खाना खाते हुए किताब को? अगर आपने किताब को खाना खाते हुए देखा है तो आप इस पर टिक कर देंगे। मैंने नहीं देखा, इस वजह से मैं इस पर टिक नहीं करूँगा, सही है। अगर आपको लगता है कि किताब खाना खाती है तो आप इस पर टिक कर दें, पर मैंने आज तक किसी किताब को खाना खाते हुए नहीं देखा। मैंने किताब को पानी पीते हुए नहीं देखा, मैंने किताब को सांस लेते हुए नहीं देखा, मैंने किताब को दिन ब दिन बढ़ते हुए नहीं देखा। मेरी जो 2 क्लास की किताब थी वो आज भी उसी साइज़ की है, सही है। आज मुझे 12 साल हो गए 2 क्लास पढ़े हुए, लेकिन आज भी वो किताब जो है उसी साइज़ की रखी हुई है। इसका मतलब किताब जो है वो दिन ब दिन बढ़ती नहीं है, किताब जानदार है। ना वो बढ़ रही है, ना वो सांस ले रही है, ना वो पानी पी रही है, ना वो गिज़ा खा रही है, तो फिर वो जानदार कैसी हुई? इसका मतलब इधर एक भी टिक नहीं आएगा। पौधे की तरफ आ जाएं, पौधा गिज़ा खाता है, सही है। बिल्ली में ये फ़र्क था कि बिल्ली जो है वो गिज़ा खाती है, पौधा जो है वो गिज़ा बनाता भी है और फिर खाता है, सही है। तो इसका मतलब पौधा गिज़ा खाता है, पौधा पानी पीता है, बिल्कुल हम पानी दे रहे होते हैं सुबह और शाम पौधे को, पौधा सांस लेता है, मैंने आपको बताया था पत्तों के ज़रिए पौधे जो है वो सांस ले रहे होते हैं, ठीक है जी। अच्छा, पौधा बढ़ता है, बिल्कुल बढ़ता है, पहले छोटा सा बीज लगाते हैं, छोटा सा पौधा उगता है, ग्रीन ग्रीन सा नज़र आता तो समझ ही नहीं आता पत्ते कैसे हैं, इसके नोकीले हैं, चौड़े हैं, मोटे हैं, छोटे हैं, पता ही नहीं चल रहा होता। थोड़ा सा और बड़ा होता है, फिर उसके पत्ते वादा तौर पे नज़र आते हैं, और बड़ा होता है, तना मोटा होने लगता है, और बड़ा होते होते एक वक्त आता है वो दरख्त बन जाता है, यानी कि पौधा जो है वो दिन ब दिन बढ़ रहा होता है। अब जब वो बढ़ रहा भी है, सांस भी ले रहा है, पानी भी पी रहा है, खाना भी खा रहा है, तो इसका मतलब वो कौन है, जानदार है, ठीक है। पेंसिल, क्या पेंसिल खाना खाती है, नहीं। क्या पेंसिल पानी पीती है, नहीं। क्या पेंसिल सांस लेती है, नहीं। क्या पेंसिल में ग्रोथ होती है, क्या वो दिन ब दिन बढ़ रही होती है, नहीं, बल्कि दिन ब दिन छोटी हो रही होती है। ऐसी है, हम पेंसिल छीलते रहते हैं छीलते रहते हैं, तो वो दिन ब दिन छोटी होती जाती है, बढ़ती बढ़ती नहीं। क्या तो फिर क्या पेंसिल जानदार हुई, नहीं, बेजान हुई, ठीक है।
तो जो बे जान है उनके में आप ये डैश डाल देंगे। डैश ये जाहिर कर रहा है कि इधर कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है बच्चों। इसी तरह आपने अपनी कॉपी पर ये काम करना है, सही है। पहले क्वेश्चन उतारा, उसके बाद ये कॉलम्स बनाए बहुत ही अच्छे तरीके से, सारे कॉलम्स बराबर होने चाहिए, सही है, क्योंकि आपके पास स्केल होगा तो आपके कॉलम्स बआसानी बराबर बन सकते हैं, सही है। तो आपने ये काम अपनी कॉपी पे बिल्कुल इसी तरह करना है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आ जाएं, फोर्थ पेज पे, सही है। और बहुत ही मज़ेदार एक्टिविटी है फोर्थ पेज पे जो आपने करनी है। सारे बच्चे पेज नंबर फोर्थ पर देखें और क्वेश्चन पढ़ने की कोशिश करें। अच्छा जी, पेज नंबर फोर्थ, मामा पेज नंबर फोर्थ से मुराद है आपकी कॉपी का पेज नंबर फोर्थ, बुक का पेज नंबर सिक्स है ये। बुक के पेज नंबर सिक्स में तस्वीर को नाम से मिलाएं। अब दोबारा इधर तस्वीरें आ गई, तस्वीरें तो हमसे बनेंगी नहीं, तो हम क्या करते हैं, हम नाम लिख देते हैं, सही। हम नाम लिख देते हैं, नाम किस तरह लिखते हैं, हम सर्कल बना देते हैं, तीन तस्वीरें ना, तीन सर्कल बना देते हैं, इधर भी तीन तस्वीरें, तीन सर्कल बना देते हैं, ठीक है क्लास। तीन सर्कल बना लिए, बीच में लिख लिया जानदार और बेजान, ठीक है। पहली तस्वीर आपको किसकी दिख रही है, मछली, ठीक है। दूसरी तस्वीर चमचे, तीसरी तस्वीर कैंची। इस तरफ आ जाएं, इधर आपको क्या दिख रहा है, क्या बोलते हैं घर पे जिससे हम वो टांगते हैं, आपका अल्लाह भला करे, कपड़े टांगते हैं उसको क्या बोलते हैं, चुटकी बोलते हैं, सही है, चुटकी, क्योंकि उसका जो स्टाइल होता है पकड़ने का, लकड़ी हो या प्लास्टिक हो, वो ये चुटकी की तरह पकड़ती है, तभी इसको चुटकी भी बोलते हैं। सॉरी, चुटकी, ठीक है। अब है बच्चे, आपकी तरह प्यारे प्यारे बच्चे बने हुए हैं इधर भी, छोटे छोटे, और फिर पौधे। अब इधर करना क्या है, तस्वीर को नाम से मिलाएं, सही है। मछली जो है वो जानदार है या बेजान है, बताएं, मछली जानदार है या बेजान है, हरकत होती है, खाना खाती है, गलफड़ों के ज़रिए सांस लेती है, और पानी में रहने के बावजूद पानी भी पीती है, तो इसका मतलब मछली जानदार है। चमचे ना खाना खाते हैं, ना पानी पीते हैं, ना सांस ले सकते हैं, और ना ही तो खुद ब खुद हरकत कर सकते हैं, तो इसका मतलब ये बेजान है। कैंची ना खाना, ना पानी, ना सांस, हाँ हरकत करती है, वो भी कब, जब हम उसमें हाथ फंसा के हाथ हमारे हिल रहे होते हैं, हमारे हाथ दर्द हो जाते हैं, क्यों, क्योंकि असल में हरकत हमारे हाथ कर रहे होते हैं, कैंची को तो हमारे हाथ ही हिला रहे होते हैं, इसका मतलब कैंची भी क्या है, बेजान है, ठीक है। इधर आ जाए चुटकी, वो जो चुटकी है, सही है, वो पकड़ी हुई होती है उसको, सही है, क्या वो खाना खा रही होती है उधर खड़ी खड़ी, या वो जहाँ पर भी रखी हुई होती है, क्या वो उधर खाना खा रही होती है, पानी पी रही होती है, और क्या करती है, सांस ले रही होती है, या खुद ब खुद हरकत कर रही होती है, नहीं, इन चारों में से कोई भी काम नहीं करती, और ना ही तो दिन ब दिन इन दोनों और इसमें, ये तीनों चीज़ें जो हैं, ना ही तो ये दिन ब दिन बढ़ रही होती हैं, इसका मतलब चुटकी भी क्या है, बेजान है। बच्चे, क्या बच्चे खाना खाते हैं, आप लोग भी तो बच्चे हैं, क्या खाना खाते हैं आप लोग, बिल्कुल खाते हैं, मैं भी खाना खाता हूँ, क्या आप पानी पीते हैं, हम सब पानी पीते हैं, गर्मी के दिन है, सारे बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए, अच्छा, उसके अलावा सांस लेते हैं हम सब, दिन ब दिन बढ़ते हैं, सही है, अभी आप वन क्लास में और टू में जाओगे और बड़े हो जाओगे, थ्री में जाओगे और बड़े हो जाओगे, इसी तरह क्लास बढ़ती जाएंगी, साल बढ़ता जाएगा और आपका साइज़, आपका वज़न, आपकी शक्ल तब्दील होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, सही है। तो आप बच्चे भी क्या हैं, जानदार हैं या बेजान हैं, जानदार हैं, क्योंकि उनमें जो खसूसियत पाई जा रही है वो किन में पाई जाती है, वो पाई जाती है जानदारों में, ठीक है बच्चों। अब आ जाते हैं पौधे की तरफ, पौधा खाना खाता है,
पानी पीता है, पत्तों के जरिए सांस भी लेता है, दिन ब दिन बढ़ता भी रहता है। सही है। और उसमें हरकत कैसी होती है, उसका जो बढ़ना है वही उसकी हरकत है। आप एक छोटी सी बेल लगाते हो, वो ऐसा 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 पूरी दीवार में फैल जाती है, तो ये हरकत हो रही है। जब यहाँ से वहाँ तक वो अपनी जगह तब्दील करता हुआ जा रहा है, तो ये हरकत कर रहा है। मैं यहाँ से यहाँ तक आया हूँ, मेरी जगह तब्दील हुई है, मैंने हरकत की है। इसी तरह पौधे में भी जो उसके बढ़ने का अमल होता है, वही उसकी हरकत का हिस्सा होता है। तो पौधों को भी आप मिला दोगे किससे, जानदार से। सही है। ये एक्टिविटी आपने इस तरह करनी है, आपने क्वेश्चन उतारा, क्वेश्चन नंबर 6 चैप्टर वो पेज नंबर 6 पे क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो आपने उतारा। उसके बाद तस्वीरों की जगह आपने उनके नाम लिख दिए पेज में, बीच में आपने जानदार और बेजान चीज़ें लिख दी, और फिर आपने जो जो जानदार चीज़ें हैं उनको जानदार से, जो बेजान चीज़ें हैं उनको बेजान से मिला दिया। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब चलते हैं पेज नंबर 7 पर। सही कि पेज नंबर 7 पर क्या काम करना है बच्चों, पेज नंबर 7 पे बहुत ही मज़ेदार एक्टिविटी करनी है। सब बच्चों के पास अपनी बचपन की तस्वीर है, जब वो नर्सरी में थे, आप मॉन्टीसरी में थे, हाँ, जब आप छोटी क्लासेस में थे, मॉन्टीसरी में नया नया एडमिशन हुआ था, रोते रोते स्कूल आते थे, अम्मी लेके आती थी, और फिर जो है स्कूल वाले पकड़ लेते थे, फिर आप दूसरे पीरियड तक रोते रहते थे। जबकि जो तस्वीरें हैं आपकी, आपके पास हैं, क्योंकि आपका जो पेज नंबर 7 पे क्वेश्चन है उसमें आपने यही करना है कि दी हुई जगह में, ये जो जगहें हैं, अपनी दो तस्वीरें चिपकाएं, बचपन की तस्वीर और मौजूदा तस्वीर, दोनों तस्वीरों का मुशाहिदा कीजिए, इनमें क्या फ़र्क है। आपने कॉपी पे ये क्वेश्चन लिखा, सही है, और नीचे जो है वो दो जगहें बना दी। आप चाहें तो इस तरह बना लें, ठीक है, और अगर आप चाहें तो इस तरह बनाने, एक छोटा एक बड़ा हो गया, आपने दोनों बराबर बनाने। इधर आपने जो आपकी अभी की तस्वीर है वो लगाई, इधर आपने जो आपकी पुरानी तस्वीर है वो लगाई। सही है। और आपने जस्ट गौर करना है कि इन दोनों में क्या फ़र्क है, बचपन की तस्वीर में और अभी की तस्वीर में, सिर्फ गौर करना है आपने। ठीक है, ये था आपका आज का छोटा सा क्लास वर्क, होमवर्क। सही है, क्लास वर्क भी है, यही होमवर्क भी है। जिन बच्चों से इतने टाइम में ये काम हो जाता है वो इसको कर लेंगे, और ना हो पाए तो घर पे याद से सारे क्वेश्चन उतार कर उसके आंसर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और कोशिश करेंगे कि अपना काम खुद करें और राइटिंग का ख़ास ख्याल रखें। ठीक है बच्चों, ये काम आपने आज करना है। जज़ाकअल्लाह, थैंक यू बच्चों।